हेलो वर्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया सो गए। तो जैसा कि वर्स आप सभी लोग हमारे यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर मेरे फ़ोन के जो कि WhatsApp का नोटिफिकेशन जब आता है तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर जो भी लिख कर आता है सभी चीज़ यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि इसको आपको किस प्रकार से हाइड करना है, ताकि आपके पास जब भी कोई WhatsApp पे मैसेज करे तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिखे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वर्स आपको क्या करना है कि आप सबको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर ओपन करते हो तो सबसे पहले तो बस आपको अपने WhatsApp को अपडेट करके जरूर रखना है। अपने WhatsApp को अपडेट करने के बाद यहां पर क्या करना है कि आप सबको यहां से यहां पर एक 3 डॉट देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही बस यहां पर देख सकते हो जो कि एक सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही यहां पर इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा और यहां पर देख सकते हो जो कि एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर व्यूअर्स अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो अगर आप साउंड को बंद करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसे आपको यहां से इस प्रकार से बंद कर देना है। और यहां पर इसे बंद करने के बाद आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका जो नोटिफिकेशन है उसका साउंड नहीं आएगा। तो व्यूअर्स आप इस प्रकार से यहां पर साउंड को बंद कर सकते हो। और व्यूअर्स आपको किस प्रकार से नोटिफिकेशन को हाइड करना है चलिए मैं बताता हूं। तो उसके लिए आपको यहां से बैक हो जाना है और क्या करना है कि आपका जो WhatsApp है उस पे आपको लॉन्ग प्रेस किए हुए रहना है। तो इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऐप इन्फो करके यहाँ पर एक देखने को ऑप्शन मिलेगा, आपको इस आई बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक लिखा हुआ मिलेगा नोटिफिकेशन, आपको क्या करना है इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही व्यूअर्स यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो लिखा हुआ है शो नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करके इसे इस प्रकार से बंद कर देना है। और अगर बस आप यहाँ पर इसे बंद कर देते हो तो आपके फोन में जब WhatsApp का नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर आपको ऊपर में नहीं दिखाई देगा। तो आप से लोग इस प्रकार से अपने WhatsApp के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। तो व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएगा। और अगर आप से लोग भी चाहते हो किस प्रकार की बहुत सारी नई नई जानकारी आप सब तक सबसे पहले पहुंचे तो आप से लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर रखिएगा। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।